हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर एडवेंचर। और आज हम एक और नए स्थान पर आए हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है जोधा बेगम का पैलेस। दोस्तों ये यहाँ का इंटरेस्ट गेट है। जो कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे देखा जाए तो जैसे दो झरोके बनाए गए हैं, एक ये झरोका है, एक वो झरोका है। ऊपर छतरियाँ बनाई गई हैं, बाहर से टू आर्च नुमा आकृति बनाई गई है और बेहद सुंदर। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर और आपको और भी डिटेल में बताते हैं। जोधा बेगम जो कि बादशाह अकबर की बेगम थी और उन्हें है ना मरियम उज़ ज़मानी का ओहदा भी मिला था। तो चलिए चलते हैं हम अंदर और आपको और भी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ है दोस्तों, जो कि जोधा बेगम के महल का एंट्रेंस गेट है। तो चलिए चलते हैं हम अंदर की तरफ। दोस्तों एक ये एंट्रेंस रूम है। जो सिक्योरिटी पर्पज से यूज में लाया जाता रहा हुआ दोस्तों। चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर हम जैसे अंदर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बीच में एक पौधा नजर आता है जो कि एक 2 फुट ऊंचे आकृति पर बना हुआ है। दोस्तों उस समय क्या था कि ये जोधा भाई का महल है दोस्तों, और उस समय क्या था यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया जाता था, जो कि जोधा भाई प्रतिदिन उसकी पूजा किया करती थी। और एक खूबसूरत चारों तरफ देखें तो यहाँ पर बरामदा बना हुआ है। और दोस्तों इसके है ना हम इस साइड देखें तो ऊपर है ना टैले लगी हुई हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो पैलेस के ऊपर टैले हैं और इधर देखेंगे तो यहाँ पर मतलब देखा जाए तो ये खुला था दोस्तों। और इधर से हम पास में से दिखाएंगे उसे। देखिए ये यहाँ से कई वेंटिलेशन बना रहता था, इसलिए ये समर पैलेस था दोस्तों। और ये जो बाला था, ये जो हम यहाँ के इसके पास खड़े हैं, ये विंटर पैलेस। और दोस्तों यहाँ पर अब वर्तमान में बना दिया गया है शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष। मतलब जैसे हैं क्या होता है कि कोई टूरिस्ट है ना अपने साथ बच्चे को लेके आते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें छोड़ सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत ये एंट्रेंस गेट था दोस्तों। यहाँ से हम एंटर करके आए थे, उसके सामने वाला समर पैलेस और ये विंटर पैलेस। और यहाँ पर जैसे हम सामने देखेंगे ये जोधा भाई का मंदिर था। दोस्तों ये है दोस्तों जोधा भाई का पैलेस, जिसमें क्या है कि हमने ना आपको सेंटर में दिखाया, यहाँ पे पहले क्या है कि तुलसी का पौधा हुआ करता था, यहाँ पे ना जोधा बेगम है ना आप पूजा किया करते थे दिन प्रतिदिन। और इसके सामने दोस्तों विंटर पैलेस था ये,
जोधा भाई का, जो कि सर्दियों में 6 महीने यूज़ किया करती थी, और इसके जस्ट सामने ये समर पैलेस था जो गर्मियों में जोधा भाई इसे यूज़ किया करती थी। और इसके सामने इधर देखें तो ये एंट्रेंस गेट दोस्तों, और यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है थोड़ी, ये है जोधा भाई का मंदिर, जो दोस्तों उन्होंने अपने विवाह से पहले उन्होंने जो शर्तें रखी थी कि मैं, मेरे लिए अलग महल होना चाहिए और अलग मंदिर होना चाहिए और मैं अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करूँगी, तो ये तीनों जो उनकी मतलब मांगे थी वो बादशाह अकबर ने पूरा किया था उन्हें, और उन्हें यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में भी और आगरे के लाल किले में भी उन्हें मंदिर बनाकर यहाँ पर दिया था। तो दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, क्योंकि ये एक सेपरेट जोधा भाई के लिए पैलेस था, जो कि ये और जो अकबर थे इसे है ना वो है ना हरम के रूप में भी प्रयोग किया करते थे, यहाँ प्राइवेट रूम के रूप में। तो चलिए चल दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर। और दोस्तों एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे क्या था कि पहले है ना किसी को है ना किसी नाम से नहीं बुलाया जाता था इस महल में, तो जैसे ना किसी को भी बुलाया जाता था तो क्लैप करके यहाँ पे, जैसे किसी दासी को बुलाया जाना तो क्लैप करके साउंड है ना इको हुआ करती थी, और दासी जो क्वीन होती थी उसके पास में आ जाया करती थी, जैसे ताली ताली बजाई जाती थी साउंड इको होती थी, और यहाँ पर उसके मतलब पता चल जाता था कि हमें बुलाया जा रहा है, तो वो दासी वहाँ पर आ जाया करती थी। और दोस्तों ये है उनका जो जोधा भाई थी बेगम थी उनका मंदिर, जो कि उन्होंने अपनी मांग के आधार पर उन्हें मांगा था। तो चलिए चलते हैं हम दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों इसके इंटरेस्ट गेट पर देखा जाए तो इसमें कुछ आकृति बनी हुई है, जैसे कि ये देखिए ये त्रिशूल नुमा आकृति है, और यहाँ पर कलश नुमा आकृति बनाई गई है, और ये लोटस है, और यहाँ पर भी, और अंदर जाएंगे तो बाकी और भी बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। चलिए दोस्तों चलते अंदर। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 4 खंभे दिए गए हैं दोस्तों, इसकी संरचना को समझें तो खंभों पे पड़ते खंभों पर यहाँ पर क्लस जैसे कि हमने बाहर दिखाया, त्रिशूल, लोटस और बैल नुमा आकृति जो घंटी होती है उस नुमा आकृति बनाई गई है हर एक खंभे पर। और यहाँ से कह गए 1 फुट स्टेप ऊपर जाकर यहाँ पर भगवान कृष्ण ही पहले कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, यहाँ पे कृष्ण की मूर्ति हुआ करती थी। और यहाँ पर जो भिन्न देव देवता होते हैं यहाँ भगवान की मूर्तियां हुआ करती थी, यहाँ कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे लगी थी पहले। और दोस्तों ये एक कक्ष हुआ करता था जो कि पूजा सामग्री को यहाँ पर रखा जाता था, इसके विपरीत भी एक कक्ष है दोस्तों वो और बहुत ही सुंदर जो मंदिर बनाया गया था दोस्तों। ये दोस्तों एक कक्ष यहाँ पे बनाया गया है इसमें, कुल मिलाकर इसके कुल मिलाकर दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आया था अगर फॉर्म में बना हुआ है दोस्तों, एक जो गेट एंट्री गेट होता है वहाँ से एंट्री गेट करने के बाद सामने ही, जैसे यहाँ से एंट्री करने के बाद सामने ही मंदिर है दोस्तों, और इसके बाईं ओर विंटर पैलेस और दाईं ओर समर पैलेस, और इसके कॉर्नर में भी एक आकृतियाँ बनी हुई हैं जो इनके ऊपर एक गुमंद बना हुआ है, यहाँ पर है ना खाद्य सामग्री को रखा जाता होगा, और यहाँ तो अन्य किसी गतिविधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। लेकिन दोस्तों अगर शैली की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर हिंदू शैली पर बना गया महल है दोस्तों,
क्योंकि ये जोधा भाई का महल था। तो उन्होंने अपने आधार अनुसार इस मंदिर का वो इस महल का निर्माण कराया था। ये दोस्तों समर पैलेस, इसको हम और नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमने पहले दिखाया आपको, हर एक प्रत्येक खंभे में यही आकृति बनी हुई है, जो कि एक कलश की आकृति, त्रिशूल, लोटस और बेल, जो घंटी होती है मंदिरों में, और बहुत ही सुंदर जो कि समर पैलेस। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अंदर जाने में बाहर से ही इतनी बदबू आ रही है, तो अंदर से हम आपको दिखा नहीं सकते, बहुत ज्यादा चमगादड़ों की मतलब स्मेल आ रही है। तो दोस्तों ये था जोधा भाई का महल। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।